स्टोरी डालो, उसको बोलो कि तेरे एक बात की औलाद है तो यहाँ पे आ, गाली गाली गलौज कर लिया यहाँ पे आने में। इंदौर की जनता को झूठा समझ रहा है क्या? भैया इंजी स्टेन बैटरी लेकर यहाँ आओ ना पहलवान। तो भाई अभी हम लोग एमसी स्टैंड के, एज यू नो कि अभी एमसी स्टैंड का पंगा हो रखा था, तो मैं और मेरा कज़न ब्रदर वगैरह हम लोग गए थे वहाँ पर एमसी स्टैंड के कॉन्सर्ट में इंदौर। पूरा सीन क्या है वो तो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि उस सिचुएशन में एमसी स्टैंड का कॉन्सर्ट था, तो बजरंग दल के कुछ मेंबर्स आए। पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता आज की डेट में, अभी करंट सिचुएशन में हर कोई व्यूज़ वगैरह छापने के चक्कर में कुछ भी बताया जा रहा है। तो भाई दोनों तरफ देख लो एक बार। तो प्रॉपरली अगर बताए तो बजरंग दल का ये कहना है कि जो एमसी स्टैंड है, आप लोग भी जैसे जानते हो, तो एमसी स्टैंड अपने गाने में या रैप में पूरा ज़्यादातर गालियों का यूज़ करता है, तो उसी वजह से बजरंग दल के साइड से बात है ना, माँ की गालियाँ वगैरह देंगे तो ऑब्वियसली बात है हर कोई परेशान होगा। और वो ज़्यादातर जो फैन फॉलोइंग है उस बंदे की, मैं उसे खुद पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी सक्सेस पा रखा है आज की डेट में, बहुत टॉप में है भाई। बट एक चीज़ होती है ना कि अगर तुम गाली गलौज देखे भाई, सब हर कोई कैरिमिनेट ही नहीं बन सकता, लेकिन मैटर ये कर रहा है ना कि अभी हम लोग मतलब लजस्ट अभी हम लोग आए हैं, हम लोग भोपाल वापस आ गए हैं, ये नोटिस करना कि हर कोई अभी आज के डेट में उसी टॉपिक का वीडियो बना रहा है तो ये गलत है। पहले हर कोई मतलब एमसी स्टैंड को डायरेक्ट ब्लेम कर दे रहा है, यार उसने अपना टॉप किया, अपनी इमेज बनाई है तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों ने कॉन्सर्ट पे बुलाया, उसने खुद ने तो नहीं रखा ना, तो आप दोनों साइड देखो, एमसी स्टैंड ही गलत नहीं है यार, हम इवन ना बजरंग दल गलत है, बजरंग दल अपने के सही जगह में सही है, एमसी स्टैंड अपनी जगह में सही है। बट मैटर ये भी करता है कि तुम पूरे टाइम गाली मत दो, या मैटर ये करता है कई कई सॉन्ग्स उसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स में यही है कि उसकी गालियाँ वगैरह है। तो भाई ऐसा ही था सीन, बहुत ख़राब था और मतलब लिटरली पूरा शो बर्बाद हो गया और एमसी स्टैंड को आधे शो में ही जाना पड़ा, पता नहीं क्या हुआ। तो आप, मैं देख रहा हूँ, अब जैसे कि मैं बता दूं कि आप लोग क्लिप्स में देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगा वन बाय वन कि हुआ क्या था एक्चुअल में। सिचुएशन थी भाई कि मतलब वहां पर लड़ाई हो सकती थी, मतलब एमसी स्टैंड के तो बॉडीगार्ड्स वगैरह थे तो उनको तो लेके चले गए, मतलब ऐसा था। फिर बजरंग दल वगैरह स्टेज में आ गए, उसका ऐसा था जिस हिसाब से वो गाने गा रहा था, वो गाने हम घर परिवार फ्रेंडों में सुन सकते हो गाने, लेकिन ऐसे घर परिवार में वही बात है ना, अपन मतलब सबके सामने नहीं, वो जो गाने गा रहा था उसमें आर्ट साइड में किसी का परिवार रहता है, किसी का कुछ रहता है, वो चीज गलत लगी। कॉन्सर्ट करना था, अच्छे गाने गाना था, लेकिन गंदे गाने जो जिस गाया है, जो गाना उसको फेमस हुआ वो गाना नहीं गाना था उसको। नहीं ये देखो यार, वो भी अपनी जगह सही है भाई, देश हेट मत फैलाना, कोई भी किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं, सीधी बात ही है। Let's go.
के ब्रो फोन छोड़ तू सबसे अलग सबसे हस्ती डिफरेंट पर हमसे मस्ती सीधा पट्टी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मिट्टी में जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर तीसरा एल्बम किसी बच्चे अपने लेगेसी बैंक है खुला थी फैशन सावले दो को बेचते हैं टैलकम अब किचन में राशन कलम में पैशन ऑर्डर विद कैशन और छोड़ी है शक्ल से प्रीति पर उसकी बॉडी कार्डाशन लड़के तो रहते बस सब में सो बल होते हैं क्लब में गले को रखते भरा है अब मेरे बस का है रात में पूरी लाभ तेरा मायने लग से भाते रहा मास्टर सब जब जास्ते हैं हैप्पी नमस्ते बच्ची है कॉस्ट है खुद उन्हें रास्ते हाथों के मिलने से मिलता नहीं रात से कुछ मेरी बात हंसे तो तब से खुश 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 स्टार्ट में पहले गाड़ी को करते थे पुश यहाँ से मैं शुक हम दे देंगे तो जाके लप्पड़ मार के आएंगे।